हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपने बाजार को जरूर देखा होगा। सेंसेक्स की बात करें तो 328 पॉइंट की तेजी थी। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 100 पॉइंट की तेजी हम लोग को देखने को मिली थी और वीकेंड से 0.5% की तेजी थी। तो वैसे तो देखा गया तो भाई कोई बहुत बड़ी ऐसी रॉकेट की तरह तेजी नहीं है कि मार्केट की कोई 400 प्लस चला गया, 500 प्लस चला गया, 600 प्लस चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100 पॉइंट की तेजी। बट फिर भी इस तेजी की काफी अच्छी खासी चर्चा यहाँ पे चल रही है। क्यों? ऑब्वियसली इलेक्शन का माहौल है एंड बीच में हम लोगों ने देखा था कि लगातार हम लोगों को अच्छी खासी गिरावट टॉप लेवल से बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, अलग अलग रिपोर्ट के जरिए जो इलेक्शन से रिलेटेड खबरें आती रहती है उस चीज़ के चलते। और खबरें मतलब क्या, ये मैंने बहुत बार रिपीट करके आपको बताया है, मार्केट एक ही चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना के रखा हुआ है कि जीते कोई भी, हाँ मेजॉरिटी के साथ जीतो भाई, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर मेजॉरिटी के साथ अगर कोई भी पार्टी नहीं आती है तो फिर मार्केट को काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा था लगातार गिरावट पिछले एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो एक टाइम के बाद लगातार गिरावट 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 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड अगर हम लोग पिछले 5 दिन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं गिरावट 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 थी। कल के दिन भी गिरावट चल रही थी, हाँ, बट कल के दिन हम कह सकते हैं एक टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छी खासी निचले स्तर से लगभग मार्केट 300 पॉइंट यहाँ पे भागा था, निचले स्तर से अगर बात करें तो। एंड उसी पॉइंट को अगर हम लोग आज कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं बाजार ने और 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पे दिखा दी। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि फिलहाल जो माहौल यहाँ पे चल रहा है तो इस चीज़ के चलते हम लोग हमेशा रीजंस को आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है कौन सा रीज़न हम लोगों को देखने को मिल चुका है, जो कि कल के दिन उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, उसी की चर्चा आज के दिन भी हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। यस, हम लोग यहाँ पे बात करें अमित शाह जी की एंड उसी के साथ साथ जयशंकर जी, इन्होंने भी कुछ अपने स्टेटमेंट यहाँ पे सामने रखे थे एंड उसके बाद ही बाजार का माहौल में कुछ हम लोगों को कॉन्फिडेंस देखने को यहाँ पे मिला है, ऐसी चर्चा हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अगर देखा गया तो कल के दिन मैंने इसी के ऊपर डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया था। अगर मैं समरी के फॉर्म में अगर आप लोगों को एक मिनट के अंदर यहाँ पे बता दूँ तो आपको भी पता है कि कल के दिन अमित शाह जी ने यहाँ पे जो इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे उनको पूछा गया कि भाई बाजार तो यहाँ पे गिर रहा है, आप क्या कहोगे। मतलब वो इंटरव्यूअर इनडायरेक्टली उनको यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप शायद से मेजोरिटी में नहीं आ रहे हो करके, बट बाद में उन्होंने क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया, नहीं, मार्केट को स्टेबिलिटी यहाँ पे पसंद है और हम ही चुन के आएंगे। एंड जो उनका जो पुराना नारा था कौन सा, कि 400 प्लस या फिर 400 तक उनका जो टारगेट है, बीजेपी का टारगेट है कि 400 पार यहाँ पे करना है करके, तो उसका जिक्र उन्होंने वापस कर दिया। एंड प्लस उसी के साथ साथ जयशंकर जी की भी बात करें तो उन्होंने भी एक पॉइंट यहाँ पे सामने रख दिया, कौन सा, कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा जो वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है, बाजार की, वो धीमे धीमे करके क्या होती जाएगी, धीमे धीमे करके हम लोग को कम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट हम लोग को कल के दिन देखने को यहाँ पे मिले थे एंड निचले स्तर से बाजार में 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली थी। एंड आज के दिन भी अगर हम लोग इस चीज़ को जोड़कर देख ले तो 100-125 पॉइंट की अच्छी खासी तेज़ी हमारे बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये एक बहुत ही अच्छी खासी चर्चा फिलहाल तो बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा और प्रूफ के साथ अगर जोड़कर देख ले, क्या यही रीज़न हो सकता है? देखिए, कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं है, ठीक है, ये सारे अनुमान के खेल यहाँ पे चलते रहते हैं, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रूफ के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनीज या फिर गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है, इवन दो वो प्राइवेट भी क्यों ना हो, अगर आप उनके ऊपर आज के दिन जरा फोकस डालोगे तो आपको एक अलग लेवल की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अच्छा खासा तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक करने जाओगे रेलवे स्टॉक्स को तो रेलवे स्टॉक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छा खासा हम लोगों को हरा निशान, मतलब ये इधर हरे निशान में बताया जाता है या फिर ब्लू निशान में बताया जाता है अगर स्टॉक ऊपर जाते, तो नीचे जाने के लिए तो एक ही रंग है, कौन सा, लाल। तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं, देखिए हर एक स्टॉक में हम लोग को आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले। रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हो BML के तो नंबर्स भी अच्छे आए थे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी देख सकते हो, इरकॉन तो 7-8% भाग गया, IRCTC 3-3.5%, देन IRFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 8-8% की तेज़ी, देन RVNL की बात करें 7-7.5%, 9-9.5% रेलटेल, देन रिट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन बाकी के भी रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखोगे कमाल की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और ये सिर्फ रेलवे स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं है, अगर आप और भी सरकार से जुड़े हुए जो अदर सेक्टर देखने को मिल जाते हैं लाइक डिफेंस सेक्टर की बात कर ले तो डिफेंस सेक्टर में भी आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, हरा निशान। देन एवेंटेल की बात करें तो वो भी हरे निशान में, BDL की अगर हम लोग बात करें सरकारी कंपनी 6-6% ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो, भारत फोर्ज आप देख सकते हो, कोचिन शिपयार्ड ने तो 11-12% की तेज़ी यहाँ पे दिखा दी। डेटा पैटर्न की बात करेंगे 6.5%, DCX सिस्टम की बात करेंगे तो 3-3.5%, हाल ही में इन्होंने इसराइल के साथ डील की थी। देन HL तो है ही 4%, आइडिया फोर्ज की भी बात करें
4-4.25% की, मतलब बताने का मकसद समझिए कि जितने भी डिफेंस वाले माजगा डॉक शिप बिल्डर्स भी आप देख सकते हो, एमटार भी है, ठीक है, तो ये जितने भी डिफेंस वाली कंपनी हम लोगों को देखने को आप मिल जाती है उनमें भी आप चेक करोगे तो पूरा का पूरा हम लोगों को आज के दिन एक बुलिशनेस हम लोगों को देखने को मिला था। तो रेलवे सेक्टर हो गया, प्लस उसी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर हो गया, देन उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप, आप सभी लोगों को पता ही है पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अदानी ग्रुप को भी इन चीज़ों के चलते फोकस में रखा जाता है। तो आज के दिन आप देख सकते हो अदानी ग्रुप में भी एक बहुत अच्छा खासा हम लोग को तेज़ी देखने को आप मिला है, ठीक है। ACC की बात करें, देन एनर्जी की बात करें, एंटरप्राइज जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी, उसने तो 5.5% की तेज़ी दिखा दी। ग्रीन की अगर हम लोग बात करें, पोर्ट, पावर, गैस, विलमार, सीमेंट, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि हाँ, जो ये बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वाली कंपनी या फिर गवर्नमेंट से लिंक रहने वाली जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो प्राइवेट ग्रुप है, उनमें हम लोग को आज के दिन एक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को यहाँ पे मिला है। इसी चीज़ को अगर मैं और चीज़ों में अगर आगे लेकर चला जाओ, जैसे कि बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, तो सरकारी बैंक्स भी देख सकते हो, एक्सेप्ट एक दो बैंक जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, इनके तो नंबर्स ही काफ़ी ख़राब थे, कल के दिन भी ज़बरदस्त गिरा था, आज के दिन भी गिरा है, ठीक है। बाकी जितने भी बैंक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इंडियन बैंक भी एकदम पॉइंट में था, ठीक है, BSE के ऊपर लाल में था, NSE के ऊपर हरीशान था, बट ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि हर जगह पर हम लोग को सरकारी बैंक्स में भी अच्छी खासी बाइंग आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये जो पैटर्न हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसी पैटर्न को अगर आप बाकी स्टॉक्स में भी देखोगे, लाइक एनर्जी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, पावर स्टॉक की बात करें, इरेडा भी आप चेक कर सकते हो, 6-7% का अच्छा खासा तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन PFC की अगर हम लोग बात करेंगे, 1.25% की तेज़ी है। REC की बात करेंगे तो हरा निशान नज़र यहाँ पे आ रहा है। NTPC की बात करें, उसी के साथ साथ NHPC की अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी सरकार से जुड़े हुए कंपनी हैं जिनके प्रमोटर सरकार है, ठीक है, कोल इंडिया की बात करें, हर किसी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड अदर मतलब और भी सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग लिस्ट निकालने जाए तो आपको पता है कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी, कितनी लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें। बट अदर सेगमेंट में भी आप देख सकते हो, हुडको को देख सकते हो 7.5% की तेज़ी, NBCC की बात करें तो 5-5% की तेज़ी, देन LIC की बात करेंगे तो लगभग 4.5-5% की तेज़ी। मतलब बताने के इन सभी चीज़ों को अगर आप ऐड करके देख लो, जोड़ कर देख लो, तो यही चीज़ें हम लोगों को कंक्लूजन के फॉर्म में देखने को मिल रही है कि बुल को क्या चाहिए, एक रीज़न चाहिए था, ठीक है। वो रीज़न हम लोग को कल के दिन अमित शाह जी या फिर जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला है, इस चीज़ के चलते बाजार में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ऐसी चर्चाएं बाजार में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, इस बात को भी वापस यहाँ पे दोहराया यहाँ पे जा रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से रिलेटेड खबर भी आप लोगों ने देखी होगी कि वहाँ पे वो वापस खड़े रहते हुए देखने को मिले, वहाँ पे भी अलग अलग स्पीच हम लोगों को देखने को मिले, वहाँ पे भी अगेन अमित शाह जी की जो स्पीच हम लोगों को देखने को मिली थी उन्होंने इसी बात का जिक्र यहाँ पे दोहराया हुआ है। ऑब्वियसली एक नॉर्मल अगर आप विचार करने जाओगे तो आप इस बात को ज़रूर सोचने का मतलब कोशिश तो करोगे कि मतलब देखा गया तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को पॉलिटिशियंस फाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो किसी एक के स्टेटमेंट के चलते क्या बाजार में इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने कल के दिन भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है, स्टेटमेंट तो हर किसी के अपने अपने जगह पे ठीक रहेंगे, बट ओरिजिनली जो भी चीज़ यहाँ पे होने वाली है आप सभी लोगों को पता ही है 4 जून को ही हम लोग को देखने को मिलने वाली है। कल के दिन अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था, उन्होंने यही कह दिया कि 4 जून से पहले जितना हो सके शेयर्स खरीद लो, माल उठा लो, क्योंकि 4 जून के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी बाज़ार में यहाँ पे आने वाली। मतलब बताने का मकसद उनका ये था कि हम ही आएंगे विथ मेजॉरिटी के साथ आएंगे, अभी आएंगे नहीं आएंगे वो तो 4 जून को ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि बुल वालों को भाई कोई तो एक बहाना मिल गया, एक थोड़ा सा कुछ तो कारण चाहिए, जैसे बेयर वालों को कैसे बीच में कारण मिल गया था, क्योंकि जब भी इलेक्शन यहाँ पे एक एक फेज़ यहाँ पे हो रहे थे तो अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आती थी, और रिपोर्ट में तो एक चीज़ बार बार सामने निकल कर आती थी कि जीतने के चांसेस अभी भी उसी पार्टी के, बट मेजॉरिटी धीमे धीमे करके क्या हो रही है, मार्जिन्स कम हो रहे, मेजॉरिटी के मार्जिन्स थोड़े कम हो रहे, मार्जिन्स कम हो रहे, इस प्रकार की जैसी खबरें देखने को मिलती थी, बेयर वालों को बहुत अच्छा खासा बहाना मिलता था, वो अच्छा खासे बाजार को क्या करते थे, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे हैमर करते जाते थे। सो हम कह सकते कि बुल वालों को भी कोई ना कोई बहाना चाहिए था, वो थोड़ा बहुत बहाना हम लोगों को बाजार में कल के दिन मिलते हुए देखने को मिला था, उसी का कंटिन्यूएशन आज के दिन भी थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिला। एंड कल के दिन की अगर बात करें यस्टरडे की, तो RBI से रिलेटेड मतलब वही इन्फ्लेशन का भी डेटा हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला था, वो एक्चुअल में डिसेंटी डेटा था कि 5% के हम लोग नीचे चल रहे हैं, हाँ अनुमान के हिसाब से हम कह सकते 4.8 था, 4.83 आया करके।
करके, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई खराब डेटा था करके। जितना हम लोग 4% के करीब रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल वालों का कॉन्फिडेंस वापस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, अभी ये और बैटल ये चलने वाली है भाई। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है कि इलेक्शन के वक्त इस प्रकार के नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त लेवल की वॉलेटिलिटी रहती है। 22,500 का जो मार्केट चल रहा था उसको तोड़कर 22,000 के नीचे डाला गया था। ऐसा लग रहा था कि और नीचे जाएगा, फिर वापस एक कमबैक हम लोग को बुल का देखने को मिलेगा। अभी वापस 22,200 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जो ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी टफ है, इन्वेस्टर के लिए तो भाई इस चीज़ों में क्या ही कहूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रांग बिजनेस वाली कंपनी निवेश किया है। ठीक है, स्टॉक तो ऊपर नीचे डांस करते रहेंगे बट वो कोई दी एंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कभी ना कभी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे एंड आपको मुनाफा यहाँ पे हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अभी देखना पड़ेगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा और किस किस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पे सामने निकल कर आएंगे और किस किस प्रकार के रिपोर्टिंग सामने निकल कर आएगी। बिकॉज अगर इलेक्शन की बात करें, फोर्थ फेज भी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो कितना परसेंटेज वोटिंग होता है, क्या अनुमान निकल कर आता है अनऑफिशियली मार्केट की बात करें तो उसके चलते बाजार में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग का फोकस रहना चाहिए क्योंकि बाजार इसी चीज़ के चलते अच्छा खासा हम लोगों को रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।